अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा जी, हम नरान में रात को ठहरे थे। तो अभी 12:30 का टाइम हो गया, चेकआउट का टाइम हो गया। तो अभी हमारी तैयारी है जी बाबूसा टॉप जाने की। तो इंशाल्लाह जो है ना, अभी बाबूसा टॉप चलते हैं। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, इंशाल्लाह जो है निकलते हैं। तो जो नाश्ता ना वो रास्ते में करेंगे इंशाल्लाह। तो जैकेट हमने निकाल लिया है क्योंकि वहाँ सर्दी जो है सोना बहुत ज़्यादा है, यानी बर्फ़ जो है ना वो पुरानी पड़ी हुई है उधर। तो जैकेट जो है पहन लेंगे, कपड़े शपड़े तैयार शहर हम हो गए हैं सारे। तो अभी फटाफट से निकलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी सब रेडी हो गए हैं, जैकेट शैकेट पहन लिया है। तो सुबह सुबह का टाइम है, बोला भी नहीं जा रहा है। तो इंशाल्लाह अब निकलते हैं। तो चलिए जी, चाबी शाबी दे दी है, अभी निकलते हैं घूम के। तो धूप जो है वो निकल चुकी है। इधर रही जी अपनी बाइक, जहाँ रात को खड़ी की थी। और होटल के बैक साइड से व्यू चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, चारों तरफ जो है पहाड़ी सिलसिला है। इधर भी और वो सामने भी। तो रात को प्लान तो बनाया था हमने कि जो है वो नारायण को एक्सप्लोर करें, लेकिन नींद रात को इतनी आई थी ना, वह उठा ही नहीं गया। यानी 12 बजे हमारी जो है ना आँख खुली है। तो इंशाल्लाह अभी बाबूसा टॉप पर जा रहे हैं, तो वहाँ से वापसी पे देखेंगे अगर टाइम हुआ तो। आज ना पूरे नारायण को जो एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। इतनी इतनी ऊंची, यानी सेंटर में जो है ना वो नारायण मौजूद है पहाड़ों के, यानी बिल्कुल ऊपर नहीं है। चेक करें यार क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो आज इंशाल्लाह वो उधर से वापस आके ना तो नारायण को ज़रूर एक्सप्लोर करेंगे। और ये है जी हमारा होटल जहाँ रात को ठहरे थे। ये बैक साइड है जहाँ बाइक हमने खड़ी की थी, वो हमारी बाइक निकाल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी हम निकल चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं बाबूसा टॉप। और सामने नज़ारा चेक करें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह यार क्या बात है। नीला नीला पानी है सबज सबज, और सामने पहाड़ियों का व्यू है यार। पहाड़ी सिलसिला कैसा है यार, क्या बात है सुभान अल्लाह। सामने देखे जी ऊपर बर्फ वाले पहाड़ नजर आना शुरू हो गए हैं, और टॉप पे ये है ये ऊपर ये वाले। तो अभी जी हम एक जगह रेस्ट के लिए रुके हैं, तो यहाँ नज़ारा चेक करें जी। वो ऊपर ग्लेशियर आ रहे हैं बर्फ के, वो वही जम गए हुए हैं, वो चेक करें ये वाले। तो यहाँ ग्रीनरी और वो ऊपर देखे बादल, और नीचे से वो देखे चश्मा गुजारा ग्लेशियर का। बर्फ जब पिघल रही है ना, नीचे से वो ग्लेशियर गुजारा, और सामने पहाड़ चेक करें माशाल्लाह, चारों तरफ पहाड़ी सिलसिला है। यहाँ एक थोड़ा सा मसला भी हो गया, पेट्रोल जो है ना वो 1-5 की तरफ लग गई है। ठीक है, अभी पेट्रोल ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ से पेट्रोल मिल भी नहीं रहा। तो कई दुकानों वाले ने रखा है, लेकिन वो 330 रुपये लीटर दे रहे हैं, बहुत महंगा पेट्रोल दे रहे हैं। तो आगे चल के देखते हैं, कहीं सस्ता मिल गया तो इंशाल्लाह टैंकी जो है ना फुल करवा देंगे। ये है जी वो एरिया जहाँ कैंपिंग वगैरह करते हैं। मेरा ख्याल है ये मुकामी लोग हैं इधर के, जो टेंट वगैरह या कैंपिंग वगैरह करके इधर बैठे हुए हैं माशाल्लाह। और साथ ही दरिया गुजर रहे हैं, इनके दरिया कुनार जो बिल्कुल साथ है पहाड़ों के दरमियान में। अभी जी हम यहाँ बूढ़ा भाई के एक सिटी में रुके हैं छोटे से, तो इधर से मेडिसिन लेने लगे हसन, मेडिसिन लेते हैं और फिर चलते हैं। बूढ़ा भाई की ये छोटी सी सिटी है, इसके चारों तरफ पहाड़ी सिलसिला है, चेक कर सकते हैं आप। और
जल्दी जल्दी से दवाई लेते हैं अब। और बापू से टॉप इधर से जो तकरीबन 35 किलोमीटर रह गया। अभी जी यहाँ एक पेट्रोल वाली दुकान पर रुके हैं, वो पेट्रोल पड़ा हुआ है लेकिन ये 320 रुपये लीटर दे रहे हैं। तो अभी यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं तो इंशाल्लाह निकलते हैं। अभी हमने नाश्ता भी नहीं किया, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, तो इंशाल्लाह आगे रुकते हैं और कहीं अच्छा सा नाश्ता वगैरह करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इलाका ये। अब फटाफट पेट्रोल डलवाते हैं और निकलते हैं। भाई जान वो जरा स्टिंग पे लाओ, सब्सक्राइब मारे तो सुन लो, देख ये देखो पे ये मेरा चैनल खोला है। क्या बात है, माशाल्लाह सही हो गया, कर दिया सब्सक्राइब, क्या बात है, थैंक यू भाई। भाई पी लो स्टिंग, पी लो यार। हाँ जी पेट्रोल डाल गया, हाँ जी उसके अंदर भी भाई, उसके अंदर भी दोनों का डाल दिया पेट्रोल, दोनों गाड़ियों में पेट्रोल डाल दिया। ओके भाई थैंक यू, शुक्रिया। तो चलिए जी अभी निकलते हैं, पेट्रोल डाल गया अभी निकलते हैं। सामने देखे जी एक ग्लेशियर जमा हुआ है बर्फ का, माशाल्लाह। और वो ऊपर से बर्फ जो है ना पिघल पिघल के ग्लेशियर आ रहे हैं नीचे, चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या नजारे हैं यार, माशाल्लाह। ये देखे जी फुल लैंडस्लाइडिंग वाला एरिया, ये सारा ये किस तरह ये लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है, कितने कितने बड़े पत्थर हैं, चेक कर सकते हो आप माशाल्लाह। ये देखें ये पत्थर देखें, कितना बड़ा पत्थर है, मोबाइल में शायद इतना ना नज़र आ रहा हो, जो नीचे आके रुक गया। हमारी भी इस टाइम जी फुल ऑफ रोडिंग चल रही है, चेक कर सकते हैं आप, रोड कहीं सही आ जाता है तो कहीं ऐसे जैसे फुल ऑफ रोडिंग वाला। ओहो ओहो यार क्या व्यू है, माशाल्लाह। ये देखा जी मुकामी गांव वालों ने यहाँ सब्जियां कास्ट की हुई हैं, और वो व्यू देखे ये वाला, क्या बात है माशाल्लाह, पहाड़ों में कट बने हुए हैं ऐसे, और ये सब्जियां कास्ट की हुई हैं गांव वालों ने, और साथ हर जगह आपको इधर जो है ना वो होटल मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट होटल, माशाल्लाह चेक करें। फुल जी यहाँ ऑफ रोडिंग वाला सिस्टम चल रहा है यहाँ, ये देखे जी बड़े बड़े पत्थर, माशाल्लाह इसको कटाई करके इन्होंने रोड बनाया हुआ है दरमियान से, क्या बात। माशाल्लाह जी टूरिस्ट का रश भी बहुत ज्यादा है, चेक करें तो लंबी लंबी ना लाइनें लगी हुई हैं। तो अभी जी बारिश भी शुरू हो गई है, हल्की हल्की तेज़ हो रही है, उससे पहले तेज़ हो हम फटाफट से पहुंचते हैं। तो बारिश ही अभी बहुत तेज़ होना शुरू हो गई है, चेक कर सकते हैं आप। तो अभी एक जगह पे हम रुके हैं सब, यहाँ दो भाई और हैं जो लाहौर से आ रहे हैं, और बाइक को भी अंदर कर दिया। तो इंशाल्लाह बारिश जो है ना रुकती है फिर आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो अभी जी हम जहाँ रुके हैं उससे पीछे एक बहुत ही प्यारा मंजर है, बहुत प्यारा व्यू है, वो आपको मैं चेक कराता हूँ। ये अच्छा वो चश्मा जा रहा है और बारिश हो रही है बहुत तेज, ये पीछे का सीन है, ऊपर बादल है फुल जोरों के, हवा इतनी तेज जा रही है ना, साथ साथ हल्की की बारिश हो रही है, मौसम जो है ना बहुत इंजॉय का बना हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बारिश जो है वो रुक गई है, तो अभी निकलते हैं फटाफट से, वो बादल देखें नीचे आ रहे हैं ऊपर से।
माशाल्लाह बहुत प्यारा मंजर है। और फटाफट से अभी निकलते हैं। चलो यार, चलो अंकल जी, गाड़ी स्टार्ट करो। चलिए जी, अब निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो झील चेक कर सकते हैं आप, ऊपर बादल चेक करें, वो पहाड़ों के ऊपर बादल हैं और नीचे बिल्कुल प्योर नीला पानी है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मंजर है यार। माशाल्लाह से जी, इधर जो सारे पहाड़ है ना, ऊपर से सारे पहाड़ वो घने बादलों से जो ढके हुए हैं, और मौसम इतना को इंजॉय करने वाला है ना, इतना का सीन मौसम क्या होता हुआ। माशाल्लाह कमाल का मौसम है यार। और सबसे बढ़कर ये यार जो झील साथ से गुजर रही है ना, ऊपर से ठंड क्या होता हूँ यार आपको, बहुत ज़्यादा ठंड है यार। ये देखे जी बर्फ के ग्लेशियर जो जमके हुए हैं बहुत पुराने, वो अभी आस्ता आस्ता जो है वो पिघल रहे हैं। वो ऊपर देखे चेक कर, वो जी मकामी लोग जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कोई कीड़ियां नहीं पहाड़ के आगे होती। खूबसूरती जी माशाल्लाह इतना ही कुछ ज्यादा है ना, कैमरा बंद करने को दिल नहीं करता है। जहाँ देखो कोई ना कोई प्यारा मंजर आ जाता है, जहाँ देखो कोई ना कोई सही मंजर आ जाता है, कोई ना कोई अलग। तो फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह हम बाबूसा टॉप पे पहुंच चुके हैं। ये देखें ये बाबूसा टॉप सारा। तो अभी हम इधर आग जलाई है, इधर हाथ सेक रहे थे, और अभी इधर से खाना वगैरह खाएंगे, नान पकौड़े। तो फिर इंशाल्लाह जो है ना व्यू करेंगे, फिर करेंगे एक्सप्लोर करेंगे। तो पकौड़ों का ऑर्डर दिया जी, पकौड़े साथ अंडे किए हैं, और वो साथ चाय बन रही है, साथ चाय जो है ना पियेंगे। ये रहे जी हमारे प्यारे खान साहब। हाँ जी खान साहब, कितनी देर से ये अड्डा आप चला रहे हैं? हमारा तकरीबन दूसरा महीने है। 2 महीने हो गए हैं माशाल्लाह, कैसा चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। तो ये जो है बाबूसा टॉप कब तक बंद हो जाता है? ये सितंबर में बंद होगा। सितंबर में बर्फबारी कब शुरू होती है? बर्फबारी तकरीबन ये सितंबर में। सितंबर में माशाल्लाह। ठंड जी इतनी ज्यादा है ना, हाँ सुनो में और टूरिस्ट का रश भी यार इतना ज्यादा है ना, मैं आपको क्या बताऊं। तो खाना खुना जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने खा लिया है, अभी सीन देखने लगे हैं, कोई एक्सप्लोर करने लगे हैं। अगर इधर का अच्छा सा सीन हुआ, 6 बज चुके हैं अभी, तो वापसी का मेरा ख्याल है मुश्किल है। और अभी खाना खाया, इतना को एक्सपेंसिव है ना यहाँ, और मासा मजा भी नहीं आया। तो अभी देखते हैं वापस आया जाता है या इधर ही। वो वहां चेक करे थे, ये बर्फ के ग्लेशियर हैं। इस तरफ चेक करते हैं क्या। अल्हम्दुलिल्लाह जी इस टाइम हम बाबूसा टॉप के बिल्कुल टॉप के ऊपर हैं। वो सामने बर्फ के ग्लेशियर है, तो ये ऐसा व्यू है। तो इस टाइम सर्दी इतनी को लग रही है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, ना बोला जा रहा है, हाथ जो है ना बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं। और अब हम इतनी की ऊंचाई पे है ना, वो गाड़ियाँ चेक कर सकते हैं आप, बिल्कुल छोटी छोटी लग रही हैं। हम पीछे से बिल्कुल जो है ना ऊंचाई से आए हैं, आगे गहराई शुरू हो जाती है, ठीक है, टॉप है ये, टॉप से आगे गहराई शुरू हो जाती है।
इससे आगे अस कर दूंगा, लेकिन ये हमारा एंड ऑफ पॉइंट है। इधर से हम इंशाल्लाह जो है वापसी नरान के लिए निकलेंगे, फिर उससे आगे हम इंशाल्लाह घर जाएंगे इस्लामाबाद से गुजरांवाला वापस। इतनी चीज़ ठंड है ना, इधर रुकना रात जो है बहुत नामुमकिन है, मुश्किल है। तो अभी हम कोशिश करेंगे, जे रात के 6 बज चुके हैं शाम के, तो अभी हम कोशिश करेंगे वापस जाने की। हाँ जो है ना बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं, और वो देखो ऊपर से वो बादल आ रहे हैं, वो देखें माशाल्लाह, वो सामने ग्लेशियर ना बर्फ के। हाँ जी क्या लेना है, कड़क बना कर दूंगा, कड़क क्या लेना है, अच्छा कड़क बना कर दूंगा। कितने की है या या। कितने दो का 200 की, 250 की है। पहले 200 कह रहे हैं, 250 कह रहे हैं, ठीक है बस 200 लगाई मैं। यार पीछे चाय पिया नहीं रहा, मान चाय कड़क बना कर दूंगा, दूध के बनाऊं कड़क। यार एक कॉफी लगाओ, एक बनाओ ना यार, हाँ एक बनाओ ना, बिल्कुल पियो ना बस दूध पियो, ठीक है ठीक है, दूध कड़क बना कर, अच्छी सी बनानी है, अच्छी अच्छी होगा। ले जी अभी एक कॉफी लगाई है, चेक करते हैं भैया की कैसी है, अगर अच्छी हुई तो लगवाएंगे, और अगर अच्छी ना हुई फिर नहीं लगवाएंगे। अभी कॉफी चेक करते हैं, जितनी ठंड पड़ रही है ना, अभी चाय पी के आए हैं, 5-10 मिनट हुए हैं तकरीबन, तो वो सामने बादल चेक करें नीचे आ रहे हैं माशाल्लाह। अभी जी स्पेशल कॉफी सॉरी हमारे लिए बन रही है, ये दूध डाले, ये क्या डाल रहे हैं, चॉकलेट डाले डाले, सही है सर, क्या बात है माशाल्लाह। ये अब ऊपर से क्रीम डालने लगे हैं माशाल्लाह से, ये जी रेडी हो चुका है बिल्कुल। अभी चेक कर रहा है, आधा पानी आधा इधर दूध डालना है, हम कम ना है। अभी भी पीते हैं, चेक करते हैं, ये ऊपर से निकालो जरा, वाह जी वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बनाई है यार, थैंक यू शुक्रिया। इस भाई ने प्योर दूध की बनाई है, पीछे चाय पी है वो, सिर्फ दूध की है, हाँ और पानी मनी नहीं है तो। हाँ ये यार जब पैसे आपने पूरे लेने होते हैं फिर यार पानी का कोई मकसद नहीं बनता, क्या ख्याल है, पूरा लाए तो और चीज कड़क बनाते हैं कड़क। छोटे भाई यार 3 कप और बनाओ, 3 कप ऐसे ही बनाने हैं, ठीक है अभी जी, हाँ जी हाँ 3 और बना दो। अभी जी जो पूरा बाबू सा टॉप है ना पूरा बादलों के अंदर गिर चुका है, चेक करें आप, वो कुछ भी नहीं नजर आ रहा, बादल इस तरफ ही आ रहे हैं, और इतनी ठंड में बादलों के अंदर चाय पीने का यार अपना स्वाद है, चाय नहीं बार बार मैंने मुंह से चाय निकला था, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, इतना हाथ फ्रीज हो गए हैं और बोला भी नहीं जा रहा, तो कॉफ़ी है जी इंशाल्लाह पीते हैं, और क्या बात है यार मज़ा आ गया, हाथ बिल्कुल फ्रीज हो गए हैं, वीडियो बनाने का बिल्कुल भी अभी ना दिल नहीं कर रहा, लेकिन क्या अब बनानी है। इधर जी हमारे 3 कप रेडी हो चुके हैं, मैंने पी लिया, अब इन दोनों की बारी है, और एक कप जो है ना एक कप वो अंकल को देख के था, वो जहाँ नान पकौड़े खाए थे ना तो उधर बैठे हुए हैं, उनको ना दरअसल आज ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, वो साथ जैकेट वगैरह ना चादर कुछ भी नहीं थे लेके, उनके साथ आज थोड़ी सी ज्यादा हो गई है उनको गुस्सा बहुत आया हुआ है, हमने उनको ना उधर ही बिठा दिया, ज़रा आग वगैरह उधर जली हुई थी, चले हाथ वगैरह आप देख सूख ले, तो अभी ये काफ़ी एक कप उधर देख जाते हैं और फिर देखते हैं अभी वापस जाना कि नहीं। अभी जी एक कप ये अंकल को देख जाते हैं, और नज़र भी कुछ भी नहीं आ रहा है, देखें बिल्कुल बादल जो है ना वो नीचे आए हुए हैं। ये रहे जी अपने अंकल माशाल्लाह, हाँ जी कॉफ़ी कैसी है अंकल जी, सही है, इधर उन्होंने ना फुल पानी दिया था, उधर खुद दूध ले के ना खुद बनवा के लेके आए, और डब्बे वाला दूध नहीं था ऊपर, खाली दूध की बना के दिया उन्होंने, अच्छी बनी है ना, अंदर चॉकलेट क्रीम कमाल की है। ये रहा जी बाबूसा टॉप का एंड ऑफ व्यू,
जहाँ सब आते हैं और पिक्चर बनाते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं कितने टूरिस्ट आए हुए हैं माशाल्लाह। और ये बाबू सटाप जी 13,700 फुट की बुलंदी पर है, ठीक है। आगे चिल्लास वगैरह जो इससे आगे है 44 किलोमीटर, आगे गिलगित है, खंजाब है, ठीक है। ऐसे आगे इलाके हैं वो नीचे गहराई में है, ठीक है। लेकिन टॉप पर जो है ना, टॉप पर ये बाबू सटाप है, ठीक है। इससे आगे गहराई शुरू हो जाती है। तो अभी देखते हैं जी कोई गाड़ी हमें मिल जाए, हम वापस नारायण में जाएं, क्योंकि यहाँ जो है ना रात रहना बहुत मुश्किल है, और यहाँ जो खर्चे हैं ना एक्सपेंस जो हैं वो भी बहुत मुश्किल से हैं। अभी थोड़ा सा खाना खाया है, नान पकौड़े खाए हैं, वो वही उन्होंने तकरीबन 2,000 बन गया था। और बादल वगैरह चेक करें यार, आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे वो धुंध वगैरह, लेकिन ये सारे बादल हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस टाइम जो है ना बादलों के बिल्कुल अंदर हैं। और ये रहे जी अपने जवान। हाँ जी मज़ा आ गया कॉफ़ी का, पी लिया, चलें वापस। अभी जी शाम के जो 7 बज चुके हैं, लेकिन जाने का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ अभी, तो अभी कोशिश करते हैं कि रूम ढूंढने की। रूम ढूंढना भी जो है ना एक चैलेंजिंग है, तो इंशाल्लाह रूम ढूंढते हैं जहाँ आप टूरिस्ट चेक कर सकते हैं कितने आए हैं। बहुत ज़्यादा रश हो गया है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, चेक कर सकते हैं आप, आग के आगे सारे खड़े हैं। और इतना कोई एक्सपेंसिव है ना इधर रुकना या खाना पीना या बहुत एक्सपेंसिव है, तो इंशाल्लाह फिर रूम ढूंढते हैं, रूम ढूंढ के इंशाल्लाह इधर से जाते हैं। अभी जी टॉप पे आए हैं, रूम देखने एक देखते हैं मिलता है कि नहीं। इधर तो जो है लाइट वगैरह भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, अभी दीजिए 4,000 बता रहे हैं, ना कोई बेड है, बस बिस्तरे हैं वो भी गंदे मंदे हैं। तो ये है जी कुछ टॉप से व्यू इसका, माशाल्लाह हर तरह जो है ना बादल छा गए हैं, बादल से सारा जो बाबू सा टॉप है ना वो गिर गया। तो अभी और कहीं जाते हैं, चेक करते हैं रूम वगैरह। तो फाइनली जी हमें रूम शूम जो है मिल गया, ये रूम है गुजारा करने के लिए हमें मिल गया, ठीक है। और ये सब अभी लेट गए हैं, तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग। सुबह अभी इंशाल्लाह हम वापस जो है नारान जाएंगे, इंशाल्लाह सुबह वहाँ हमारी जो है वापसी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ तक हमारा सफ़र एंड होता है, तो इंशाल्लाह सुबह के व्लॉग में मिलते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अभी कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।